फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम का जो जो स्टूडेंट बायोलॉजी फॉर्म भरे हैं तो उस वीडियो में इसका देखिए क्वेश्चन किस टाइप से है। तो ये 81 से शुरू है। तो प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला के अंतर्गत है। पहला ऑप्शन में है घास गेहूं तथा आम, दूसरा ऑप्शन में है घास बकरी तथा मानव, तीसरा ऑप्शन में है बकरी गाय तथा हाथी, चौथा में है घास मछली तथा बकरी। तो इसका आहार श्रृंखला कौन है सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 82 में देखिए CFC का पूर्ण रूप है। पहला में है चेन्नई फुटबॉल क्लब, दूसरा में है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, तीसरा में है कार्बन फ्लोराइड कंपाउंड, चौथा में है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा क्लोरो फ्लोरोकार्बन। 83 नंबर का क्वेश्चन है एक बच्चा जो उसके पिता से खाली स्थान क्रोमोजोम प्राप्त करता है तो वह लड़की होगी। इसका पहला ऑप्शन में है X, दूसरा में है Y, तीसरा में है एक और दो दोनों, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा X। 84 में देखिए मेंडल संबंधित है। पहला में विशेष गुण लक्षण से उत्तराधिकारी मिलने के नियम से, दूसरा में बायां हाथ नियम से, तीसरा में है पारिस्थितिकी से, चौथा में है परपोषी पोषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा विशेष गुण लक्षण से उत्तराधिकारी मिलने के नियम से। नेक्स्ट देखिए 85 आपके शरीर में अपेंडिक्स का स्थान है। पहला में है बड़ी आंत, बी में दूसरा में है जठर, तीसरा में गुर्दा गुर्दा या स्प्रिंटिंग हो गया है, और चौथा में है अग्न्याशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा बड़ी आंत। 86 नंबर का क्वेश्चन है पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया था। पहला में है थॉमस माल्थस द्वारा, दूसरा में है चार्ल्स डार्विन द्वारा, तीसरा में है ग्रेगर मेंडल द्वारा, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चार्ल्स डार्विन द्वारा। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर सूडोपोडिया का पाया जाता है। पहला है मछली में, दूसरा है मेंढक में, तीसरा है अमीबा में, चौथा है जीवाणु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अमीबा। नेक्स्ट देखिए 88 प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। पहला CNS से, दूसरा हृदय से, तीसरा पेशी से, चौथा स्राव ग्रंथि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला CNS से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुकुलन होता है। पहला है फिलेरिया में, दूसरा है अमीबा में, तीसरा है हाइड्रा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हाइड्रा। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर पश्चाम पेशी पाई जाती है। पहला है हृदय में, दूसरा है जांग में, तीसरा है आँख में, चौथा है कान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आँख में। नेक्स्ट देखिए प्रेस बायोपिया एक बीमारी है जो खाली स्थान में होती है। पहला जठर, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा गला, चौथा आँख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आँख। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर पुष्प में पुंज जननांग है। पहला है सेपेल, दूसरा है पेटल, तीसरा है एस्टोमेन, चौथा है कार्पेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एस्टामेन। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर भ्रूण को मां के रक्त से पोषण एक विशेष उत्तक की सहायता से मिलता है जिसे कहते हैं। पहला है यूटेरस, दूसरा है प्लासेंटा, तीसरा है जाइगोट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखिए पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट में, दूसरा है ग्लाइकोजेन में, तीसरा है एमिनो अम्ल में, चौथा है स्टार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट देखिए 95 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है। पहला में पत्ती, दूसरा में तना, तीसरा में क्लोरोप्लास्ट, चौथा में द्वार कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तीसरा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखिए 96, बांस है, पहला में पेड़, दूसरा में झाड़ी, तीसरा में दैत्याकार उष्णकटिबंधी घास, चौथा में जड़ी बूटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, घास कहा जाता है बांस को, इसलिए दैत्याकार उष्णकटिबंधीय घास, इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 97 में, रिकेट्स बीमारी का कारण है, पहला है विटामिन ए की कमी, दूसरा है विटामिन डी की कमी, तीसरा है विटामिन सी की कमी, चौथा है प्रोटीनों का निम्न अंतर्ग्रहण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर, पेचिश तथा इन्फ्लुएंजा होने का कारण है, पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कर्मश जीवाणु तथा विषाणु, चौथा है कर्मश विषाणु तथा जीवाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कर्मश जीवाणु तथा विषाणु। 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सी4 चक्र खालिस्थान के नाम से भी जाना जाता है, पहला है केल्विन चक्र, दूसरा है क्रेब्स चक्र, तीसरा है हेच एवं एस्लेक चक्र, चौथा है कोशिका चक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हेच एवं एस्लेक चक्र। 100 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका पहला में ऑक्सीजन, दूसरा में है जिबरेलिन, तीसरा में इंसुलिन, चौथा में ABA। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट देखिए 101, आवृत बीजियों में प्रजनन की इकाई है, पहला में पत्ती, दूसरा में जड़, तीसरा में शिखाग्र, चौथा में पुष्प। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पुष्प। 102 नंबर का प्रश्न देखिए, RUBP है, पहला में है राइबोज बाईफास्फेट, दूसरा में राइबोज बाईफास्फेट, तीसरा में राइबोज बाईफास्फेट, चौथा में है राइबोज 6-फॉस्फेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइबोज बाईफास्फेट। नेक्स्ट देखिए 103, यदि पुष्प में स्त्री केसर एवं पुमंग दोनों होते हैं तो वे कहलाते हैं, पहला में है एकलिंगी, दूसरा में द्विलिंगी, तीसरा में बहुलिंगी, चौथा में अलिंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्विलिंगी। 104 नंबर का प्रश्न देखिए, कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण होता है, पहला में है जी1 प्रावस्था, दूसरा में एस प्रावस्था में, तीसरा में जी2 प्रावस्था में, चौथा में G0 प्रावस्था में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एस प्रावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, किण्वन द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद है, पहला में ग्लूकोज, दूसरा में पाइरुविक अम्ल, तीसरा में इथाइल अल्कोहल, चौथा में PGA। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इथाइल अल्कोहल। 106 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है, तो पहला में है राइबोसोम, दूसरा में है लाइसोसोम, तीसरा में ऑक्सीसोम, चौथा में राजधानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107, निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होते हैं, पहला है बीज के रूप में, दूसरा है फल के रूप में, तीसरा है पुष्प के रूप में, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बीज के रूप में। नेक्स्ट देखिए 108, फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, पहला में ऑक्सिन, दूसरा में IAA, तीसरा में इथाइलिन, चौथा में GA3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, इथाइलिन। नेक्स्ट देखिए 109, ब्रायोफाइटा में मादा जनन अंग कहलाता है, ए में जेमी, बी में एंथ्रिडियम, तीन में आर्चिगोनियम, चौथा में प्रोटोनीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, आर्चिनी नो
आर्चिगोनियम। नेक्स्ट देखिए 110 विनाइट्रीकरण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। ए में है स्यूडोमोनास, बी में है दूसरा में नाइट्रोबैक्टर, तीसरा में नाइट्रोसोमानास, चौथा में नाइट्रोकोकस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा स्यूडोमोनास। नेक्स्ट देखिए 111 अदरक एवं ये अदरक एक रूपांतरित है। पहला में जड़ है, दूसरा में तना है, तीसरा में उसे पत्ती है, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा तना। 112 में देखिए डंबलाकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। पहला में एक बीजपत्री में, दूसरा में पृष्ठाधर पत्ती में, तीसरा में एक बीजपत्री मूल में, दूसरा में द्विबीजपत्री तना में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला एक बीजपत्री पत्ती में। देखिए 113 मानव में उत्सर्जी पदार्थ है। पहला में यूरिक अम्ल, दूसरा में यूरिक अम्ल एवं यूरिया, तीसरा में यूरिया, चौथा में अमोनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यूरिक अम्ल एवं यूरिया। नेक्स्ट देखिए 114 कोशिका का ऊर्ध्वसूत्री विभाजन है। पहला में माइटोसिस, दूसरा में मियोसिस, तीसरा में द्विखंडन, चौथा में विखंडन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला माइटोसिस। नेक्स्ट देखिए 115 नंबर तंत्रिका आवेग प्रवाहित होते हैं। पहला में रासायनिक संकेत द्वारा, दूसरा में विद्युत संकेत द्वारा, तीसरा में भौतिक संकेत द्वारा, चौथा में तापीय संकेत द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा विद्युत संकेत द्वारा। नेक्स्ट देखिए 116 इंसुलिन खाली स्थान के द्वारा स्रावित होती है। पहला में है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा में पीयूष ग्रंथि, तीसरा में अग्न्याशय ग्रंथि अग्न्याशय, चौथा में हाइपोथैलेमस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अग्न्याशय। नेक्स्ट देखिए 117 विषाणु है। पहला में कोशिकीय, दूसरा में अकोशिकीय, तीसरा में बहुकोशिकीय, चौथा में एक कोशिकीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अकोशिकीय। 118 नंबर का प्रश्न देखिए कुहनी का जोड़ किसका उदाहरण है। पहला में पाइवट जोड़, दूसरा में हिंज जोड़, तीसरा में ग्लाइडिंग जोड़, चौथा में बॉल एवं सॉकेट जोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा हिंज जोड़। नेक्स्ट 119 देखिए वसा का सबसे साधारण रूप है। पहला में है ग्लूकोज, दूसरा में एमिनो अम्ल, तीसरा में वसीय अम्ल, चौथा में न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वसीय अम्ल। अंतिम प्रश्न है 120 डीएनए आरएनए से किसके होने के कारण भिन्न है। पहला में है एडिनिन, दूसरा में थायमिन, तीसरा में है साइटोसिन, चौथा में गुआनिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा थायमिन। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही तरीके से बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।